सेजल, इस वक्त की बड़ी खबर। किच्छा के मछली विक्रेता से तमंचे की नोक पर मोटरसाइकिल लूटने के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लूट की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया है। तो लुटेरों तक पहुंचने वाली पुलिस की टीम को एडिशनल एसपी ने 1500 रुपये इनाम देकर सम्मानित किया। 5 दिसंबर को किच्छा निवासी मछली विक्रेता अकरम खां पुत्र असगल खान ने थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ तहरीर देकर कहा था कि रात्रि में वह गदरपुर बाजार में मछली बेचकर मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। जाफरपुर के नजदीक दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों ने तमंचे के बल पर उनकी मोटरसाइकिल लूट ली और भाग गए, जिस पर थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर खुलासे हेतु टीम गठित की गई थी। इस पर शनिवार को काशीपुर एडिशनल एसपी राजेश भट्ट, सीओ बाजपुर दीपशिखा अग्रवाल एवं थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से लूट की घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एसआई जितेंद्र बिष्ट ने एसओजी की मदद से शुक्रवार को जयनगर के अष्टभुजा मंदिर के पास से अर्शदीप सिंह पुत्र अमरजीत सिंह निवासी बेगमाबाद बिलासपुर एवं गुरसेवक सिंह उर्फ गुरी पुत्र मलकीत सिंह निवासी इंद्रपुरी बारादरी बिलासपुर को लूट की मोटरसाइकिल संख्या UK06AQ3792 एवं लूट में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। लूट में शामिल अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। माध्यम से खुलासा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। 5 तारीख की रात को अकरम खां जो व्यक्ति है इच्छा का रहने वाला, उससे मोटरसाइकिल लूट की एक घटना हुई थी तमंची के बल पर। इस पर दिनेशपुर थाने की पुलिस और हमारी एसओजी टीम के द्वारा अपने लोकल मुखबिरों के माध्यम से दो लोगों को चिन्हित किया गया था। बाकी इसमें सीसीटीवी कैमरा को भी देखा गया था। लोकल मुखबिरी और सीसीटीवी कैमरा की मदद से दो लड़के अर्शदीप और गुरसेवक इसमें पकड़ में आए हैं। मोटरसाइकिल बरामद की जा चुकी है और आज इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।